हेलो गाइस, अब देखो मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था, उसमें एक बात कॉमन थी कि कोई ऐसे स्टॉक जो 50 रुपये से कम ट्रेड कर रहे हो और वहाँ फंडामेंटली कुछ तो अच्छा है या कुछ हो रहा है, ऐसे स्टॉक बताओ। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक डिस्कस करेंगे जो 20 रुपये से भी कम है या 50-60 के रेंज में है और वो फंडामेंटली बहुत अच्छे साउंड कर रहे हो और आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न भी दे सकते हैं। ऐसे कुछ दो तीन स्टॉक देखेंगे, 3 या 4 स्टॉक देखेंगे। तो इस लिस्ट में हमारा जो पहला स्टॉक है, इसमें देखो प्रमोटर होल्डिंग है 52.87%। अब यहाँ प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 7.75 से 0.87 पे ये आ चुके हैं ऑलरेडी। और ये कंपनी देखो ROCE कंपनी का 5% का है 24 में, पॉजिटिव में ये अच्छी बात है। और इनके पास रिजर्व्स देखो, रिजर्व से 4.71 करोड़ के, और इसके सामने बोरोइंग कितनी 1.66, तो इतनी कुछ खास ये रेशो नहीं है। अर्निंग पर शेयर प्रॉफिटेबल, नेट कंपनी भी प्रॉफिट में है, नेगेटिव में एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो 0.04 का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। देखो अब अगर आप छोटी कंपनी देखोगे तो आप ये इन चीज़ों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कंपनी का नाम क्या है? पहली कंपनी हमारी अंजानी फाइनेंस, अंजानी फाइनेंस इसका नाम है। 13.5 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रही, मतलब 13.5 रुपये पे ट्रेड करी। इसकी बुक वैल्यू है 14.5 रुपये, बुक वैल्यू के 1 रुपये नीचे कर रही है। और ये NBFC है, छोटी कंपनी AFL, ये इज़ अ पार्ट ऑफ अग्रवाल ग्रुप, अग्रवाल ग्रुप की ये कंपनी है। तो देख सकते हो आज के दिन में 3.46% ये अब थी, मतलब बीते ट्रेडिंग सेशन में ये 3.46% अब भी थी। तो ये एक स्टॉक है, इस पर आप नज़र रख सकते हो। चार्ट में आपको दिखाऊंगा, पर इसके पहले देखो कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, ट्रेडिंग एट 0.92 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। और वर्किंग कैपिटल जो रिड्यूस हुआ है वो 37 डेज से 20 डेज पे आ चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट इंटरेस्टिंग क्यों है, ये मुझे इंटरेस्टिंग फैक्टर क्यों लग रहा है इस चार्ट का, देखो ये एक बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है, इतने दिनों से ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। और ये बॉक्स मतलब काइंड ऑफ मुझे एक अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो ये अगर मैं यहाँ से बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो 13 रुपये पे भी आए करो तो आपको स्टॉप लॉस की लेवल मिल रही है, इस लेवल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और रिस्क कितनी आ रही है, 4 रुपये के आसपास की आपकी रिस्क आ रही है। और ऊपर टारगेट कितना रख सकते हो, टारगेट इसको छोड़ देने का है, इसमें टारगेट को नहीं पकड़ना है, टारगेट के लिए छोड़ देने का इसे। क्योंकि इसका जो जब ये लिस्टिंग हुआ था तो 40 रुपये के आसपास का हाई लगाया है, तो यही हम इसका फर्स्ट टारगेट रख सकते इजीली। तो फर्स्ट कंपनी जो हमारी है वो है अंजानी फाइनेंस, जो कि पार्ट है अग्रवाल ग्रुप की कंपनी। अब इस लिस्ट में हमारी जो सेकंड कंपनी है वो है BMW इंडस्ट्रीज। अब ये देखो 61 पे ट्रेड कर रहा है। बट ये स्टॉक के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग में आपको बात बताना चाहूँगा। देखो 1377 करोड़ की कंपनी, 19 का पी सस्ते पी पे ट्रेड कर रहा है। अभी मैं बोलूँगा कि ये पी ठीक है, सस्ता नहीं बट ठीक है। ये स्टील प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी, सेलिंग ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू द सेम। तो बेसिकली स्टील से ये कंपनी है। और रिड्यूस डेप्ट है और डेबेटर इंप्रूव हो रहे, 70 से 37 आ चुके हैं। और वर्किंग कैपिटल 164 से 83 डेज आ चुका है। ये कुछ पॉजिटिव बातें, और ये बातें बहुत मैटर कर जाती है, कभी भी चार्ट देखोगे तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और ये कंपनी अभी अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड करी, जल्दी इसे ये क्रॉस भी कर सकती है। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, 2021 से देखो ये कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमा रही है। और पिछले 2023 का देखो, दिसंबर 2023 में 32 करोड़, मार्च 24 में 39 करोड़, जून 24 में 42 करोड़। तो अच्छा प्रॉफिट भी कंपनी करी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी प्रॉफिटेबल है। नेट प्रॉफिट देखो 12 करोड़ से 19 करोड़, 19 करोड़ से 22 करोड़, तो एक अच्छा प्रॉफिट बोलूँगा। EPS इंक्रीज है 51, 85, 99, EPS इंक्रीज हो रहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर EPS भी इंक्रीज हो रहा, तो ये बहुत पॉजिटिव होता है। और कंपनी ट्रेड कितने पे कर रही है, ओनली 61 रुपीज़।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ प्रमोटर ने खरीदा है 73.99 से बढ़ के 74.28 कर लिया है, ठीक है। BMW इंडस्ट्रीज ये 74.28 पे आ चुका है, तो मैक्सिमम होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर ने ली है, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग अच्छा चार्ट है मैं कहूँगा BMW इंडस्ट्रीज। अब इस लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक होगा वो है इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो है बोन लॉन। बोन लॉन का मैं आपको पहले चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखो ये चार्ट हाई कितने का लगा चुका है, 112.13 का ये हाई लगा चुका। अब ये एक सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे। सपोर्ट कितने पे बना है, ये सपोर्ट देखो 30 रुपीज़ पे सपोर्ट बना है, बहुत अच्छा सपोर्ट बना है। तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली सपोर्ट के नीचे, और इसके मैं फंडामेंटल आपको जल्दी से बता देता हूँ। फंडामेंटल देखो 48 करोड़ की माइक्रो मिनी कैप कंपनी, 55 का इसका बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करिए। मेटल कॉपर एंड इनका एक होटल भी है, ये रन करती है, ठीक है। सिविल कंस्ट्रक्शन ये वो सब चीज़ में ये कंपनी है, और अपने 50 डे में के आसपास है। और यहाँ मेन देखो प्रमोटर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2.83% ओवर लास्ट क्वार्टर में। प्रमोटर करना 0.62 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, अभी ये ट्रेड कर रही है, मतलब बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है। और ठीक है, पिछले 4-5 क्वार्टर से कंपनी कुछ तो प्रॉफिट कर रही, 1.5-2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कंपनी कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.20 था जो 0.69 हुआ, 0.82 हुआ, 0.85 हुआ, तो कंपनी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करती जा रही है धीरे धीरे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, तो 2022 से कंपेयर करो तो 2024 में प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कंपनी का, जो कि पॉजिटिव होता है। और यहाँ भी देखो 66% प्रमोटर के पास है ना, 66 प्रमोटर के पास है, 33 पब्लिक के पास है। अब इनके प्रमोटर भी देखो, जैन फैमिली इनकी प्रमोटर है, और इन पब्लिक के पास, इनके पब्लिक में भी यही है, सब इंडिविजुअली शेयर होल्डर है। तो एक स्ट्रॉन्ग हाथों में कंपनी है, और मेरे हिसाब से आप अगर ऐसे कंपनी के पास जाते हो तो ये एक अच्छे लेवल पे भी आपको मिल रही है। और अभी जो पिछला स्टॉक हमने देखा था BMW इंडस्ट्री, इसका हमने चार्ट चेक नहीं लिया, वो चार्ट चेक हम एक बार ले लेते। देखो मंथली चार्ट है, मैं आपको एक बार डेली चार्ट दिखाती हूँ। तो डेली चार्ट पे ये देखो, इसने ये एक सपोर्ट लिया है, ये जो जोन था इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। यही से इसने सपोर्ट लिया, ये ऊपर जा रहा है इमीडिएटली 76 तक हम इसे जाते हुए देख सकते हैं, इजीली 76 के आसपास ये जा सकता है बोन BMW इंडस्ट्रीज। तो ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर यहाँ देखो ना 2023 में कितने पे ट्रेड करता, 25 रुपये में, 25 वाला ये कहाँ तक चला गया था, 86 रुपीज़ में। तो ये जो रिटर्न परसेंटेज है एक साल में, ये बहुत तगड़े रिटर्न होते हैं, और छोटे स्टॉक में इतने रिटर्न मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे स्टॉक आपको रडार पे अपने रखने हैं। तो ये तीन स्टॉक आज हमने डिस्कस किए, इसमें से पहला था अंजनी फाइनेंस विच इज़ पार्ट ऑफ अग्रवाल ग्रुप, सेकेंड था हमारा BMW इंडस्ट्रीज, और थर्ड था हमारा थर्ड था ये बोन लॉन, जो कि 34 रुपीज़ पे ट्रेड करो। इसमें भी सेम पैटर्न है, ये देखो ये सपोर्ट जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है हमेशा, नीचे भी आया बट एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो इमीजिएटली हम इसमें टारगेट की भी मैं बात करूँ, अगर ये हाई टू लो में अगर फिबोनाची भी ड्रॉ कर दो, हाई टू लो फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, तो देखो इमीजिएटली 57 तक इसमें मुझे टारगेट दिख रहे हैं।